पशुपालन एवं मत्स्य विकास राज्य मंत्री रेखा आर्या ने आज राज्य मत्स्य विभाग द्वारा संचालित केंद्र एवं राज्य पोषित योजनाओं की ऑनलाइन समीक्षा बैठक ली, जिसमें 13 जनपदों के मत्स्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने कहा, मत्स्य विभाग द्वारा मैदानी क्षेत्रों के साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में भी मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए लोगों को इसकी जानकारी मुहैया कराई जानी चाहिए, जिससे स्थानीय लोग मछली पालन को स्वरोजगार के तहत अपना सकें। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए ट्राउट प्रजाति को डेनमार्क से आयातित करने पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने निर्धारित लक्ष्यों को समय से प्राप्त करने और सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के निर्देश भी दिए। इस प्रकार से हमारे मत्स्य विभाग के माध्यम से गांव में पहाड़ी क्षेत्रों में आदर्श तालाब निर्माण कार्य हो अथवा एससीपी के तहत तालाब निर्माण कार्य हो अथवा मैदानी क्षेत्रों में किस प्रकार से आदर्श तालाब निर्माण का कार्य किया जा रहा है, उसी का जो है आज समीक्षा की गई है। साथ साथ में जिस प्रकार से नील क्रांति को लेकर हम लोग उत्साहित हैं, तो उसमें हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, तालाबों का सुदृढ़ीकरण हो, हैचरीज का सुदृढ़ीकरण हो, इन सब चीजों की भी समीक्षा की गई है।